लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार आज हमारे बीच नहीं है। आज लीजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार की 100वीं सालगिरह है। अगर आज दिलीप कुमार जिंदा होते तो 100 साल के हो जाते। दिलीप कुमार का पिछले साल 7 जुलाई को 99 साल की उम्र में निधन हो गया था। आज दिलीप कुमार के जन्मदिन के मौके पर फिल्म फेस्टिवल हेरिटेज की ओर से फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर इंडस्ट्री के कई दिग्गज कलाकार इसमें शामिल हुए। फिल्म फेस्टिवल में जैसे ही दिग्गज अदाकारा सायरा बानो पहुंची, उन्होंने एक्टर के पोस्टर को प्यार से छुआ और काफी इमोशनल हो गईं। उनकी आंखों से आंसू छलक गए। ये फिल्म फेस्टिवल मुंबई में 2 दिन के लिए रखा गया है। इस फिल्म फेस्टिवल में वाहिदा रमन, आशा पारेख, दिव्या दत्ता, रमेश सिप्पी समेत कई कलाकार नजर आए। ये फिल्म फेस्टिवल 20 शहरों के 30 सिनेमाघरों में आयोजित किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में दिलीप कुमार की आइकॉनिक फिल्में आन, देवदास, राम और श्याम, शक्ति को चुना गया है। इन फिल्मों का प्रदर्शन देश भर के कई शहरों में किया जा रहा है। फिल्म फेस्टिवल के दौरान सायरा बानो ने कहा कि वो भारत के महानतम एक्टर हैं। जब मैं 12 साल की थी तब से वो मेरे पसंदीदा हीरो थे। मैंने उन्हें आन फिल्म में पहली बार देखा था। उन्हें बड़े पर्दे पर देखना हमेशा मेरे लिए खुशी की बात होगी। दिलीप कुमार और सायरा बानो की लव स्टोरी किसी बॉलीवुड की कहानी से कम नहीं है। सायरा बानो और दिलीप कुमार हर सुख दुख में एक दूसरे के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। आपको बता दें कि दिलीप कुमार और सायरा बानो के बीच 22 सालों का एज गैप था। सायरा और दिलीप की शादी साल 1966 में 11 अक्टूबर को हुई थी। दिलीप की चार्मिंग पर्सनालिटी पर सायरा बानो 12 साल की उम्र में फिदा हो गई थी। 16 साल की उम्र में सायरा बानो को पता चला कि मुंबई के मराठा मंदिर में मूवी हॉल में किसी आयोजन के लिए दिलीप कुमार आने वाले थे। सायरा भी अपनी माँ के साथ वहाँ पहुंची, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। दिलीप कुमार उस आयोजन में नहीं आ पाए। दिलीप कुमार से मिलने के लिए सायरा ने फिल्मी राह चुनी। जब वो पहली बार दिलीप कुमार से मिली तो उन्हें अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हुआ था। बाद में दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों शादी के बंधन में बंध कर हमेशा हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।